म्युनिसिपल काउंसलर्स गांदरबल की एक डेलीगेशन जो आज एलजी साहब से मिलने वाली थी, आज हमने बायकॉट किया क्योंकि जो एसओपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुकर्रर की हैं वो एसओपीज फॉलो बिल्कुल नहीं की गई है। छोटे से हाल में 200 लोगों के करीब जमा रखा हुआ था पिछले 4 घंटे से, लिहाजा इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा था। उस खतरे को, कोविड-19 के इन्फेक्शन के खतरे को मद्देनजर रखते हुए हमने बाहर आना ही मुनासिब समझा ताकि हम इस इन्फेक्शन से मुतासिर ना हो। कोई और वजह नहीं है, सिर्फ यही है कि एसओपीज फॉलो नहीं की थी। यह सवाल है एसओपीज फॉलो करने का, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व हो या गवर्नर इन्वॉल्व हो, तो मुर्द इल्जाम दोनों हैं। पहले मैं अपने एलजी साहब का मुबारकबाद उनको देना चाहूंगा और उनको दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें संबोधित किया, यहां आने गांदरबल आए, वो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि एलजी के आते ही डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में 4G चालू हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जो आप हमसे सवाल पूछने जा रहे हैं, हम उनसे मिले एज अ जिलाध्यक्ष पंचायत एसोसिएशन, मैंने उनके सामने अपनी डिमांड्स रखी, उन्होंने बड़े गौर से हमारी डिमांड सुनी और उन्होंने आह भी भर ली कि जो हमारी डिमांड थी शायद वो जल्दी ही ट्रैक फास्ट ट्रैक पर वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए थे गांदरबल और इन्हें कुछ अवामी वफूद उनसे मुलाकात हुई, तो हमारी भी एक वफद थी जिसकी कयादत मैं कर रहा था डेवलपमेंट फोरम की चेयरमैन होने के नाते और सिविल सोसाइटी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते, और बिसाइड दिस तो जीनियर जो जर्नलिस्ट है उनके नाते भी मैंने वहां रिप्रेजेंट किया। तो पहले मैं यही बात बता दूं कि आज यही मुतालबा हुआ कि प्रेस क्लब की बार बार जो डिमांड थी यहां, तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मैंने ये मुतालबा रखा तो उन्होंने उसी वक्त उनके साथ थे उनके एडवाइजर बशीर खान साहब, तो उनको कहा जरा ये मामला देखिए ये मामला क्या है, और वहां डिप्टी कमिश्नर भी थे उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रेस क्लब का मुतालबा है ये तो किसी वक्त भी हल हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या तो हमें जमीन अलाट होगी या कोई बिल्डिंग अलाट होगी जिस पर हमारे जितने भी प्रेस वाले हैं ये वहां बैठकर अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो आज सिविल सोसाइटी जो आज डेवलपमेंट फोरम के हवाले से मेरी बात हुई, कुछ अहम मुतालबा थे। पहला मुतालबा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे के डिजिग्नेटेड लैंड पे फिल फोर काम शुरू किया जाए और जिनको वहां कमिटमेंट की गई है नौकरियों की, जिन्हें जमीन दिया है उनको वहां मुलाजमत दी जाए। उसके अलावा हमने रोड वाइडनिंग की बात की, रोड वाइडनिंग के बारे में हमने उनको बोला कि इसको फास्ट ट्रैक में काम मुकम्मल किया जाए जो हमारा पांदे से वाइल और फिर बिहामा से तुलमुला तक है, और इनको ये भी कहा गया कि जब तक ये फास्ट ट्रैक में मुकम्मल हो सके तब तक जो इसका अल्टरनेट रूट है जो हॉस्पिटल की तरह है तो उसको भी उसको बाईपास किया जाए ताकि जिसको कॉलेज, जिसको स्कूल या जिसको हॉस्पिटल जाना होगा वो वहां से ही जाएगा।